मैं आपसे थोड़ा इसलिए मिला ना क्योंकि ज्यादातर जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई आता है ना तो बोलते हैं कि उत्तराखंड के लोग बहुत वैसे होते हैं। तो पीछे पहाड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, मैं इसको थोड़ा एंगल चेंज करता हूँ, देखो कितना बढ़िया व्यू है। और सबसे बड़ी बात है पीछे टेंट भी है। मैं ये देखो दोस्तों, ये है टेंट, बढ़िया बिस्तर लगे हुए, कैंपिंग के लिए बहुत बड़े जगह है। बिल्कुल पास में ही नदी भी है और लगभग 10-12 के करीब टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये ऊपर गांव है और अभी आपको मंदिर घंटी सुनाई दे होगी। ये यहाँ का मंदिर है, महादेव चट्टी नामक मंदिर है ये। यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना हुआ है लेकिन क्योंकि सर्दी है तो ये खाली है। ये बोर्ड भी लगा हुआ है एक स्विमिंग पूल का। हेलो दोस्तों, आप मेरे पीछे टेंट देख रहे हैं, ये है महादेव चट्टी गांव है जो तोता घाटी से नीचे आने पर 1-1.5 किलोमीटर हम नीचे उतरे हैं, वहाँ पर हैं। आपको मैंने जैसे वीडियो में दिखाया हम नीचे उतरे थे, तो अगर ये गांव पड़ता है जब आप शिवपुरी से, ऋषिकेश से शिवपुरी होते हुए जब आप पौड़ी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है। दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, ये देखिए कितने सुंदर टेंट हैं, बढ़िया है, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंबल है, मैंने देखे हैं अभी। और यहाँ से भी दिखाता हूँ, जहाँ पर टेंट है वहीं पर है ये, नदी बह रही है नीचे। रात को सुना है हिरण जंगली जानवर भी आ सकते हैं यहाँ पर, बाघ वगैरह, लेकिन यहाँ पर देखिए पीछे नदी है, बिल्कुल पास में ही है ये। मैं अभी दिखाता हूँ एक झरना और यहाँ से उतरने का स्थान है, ये गेट लगा हुआ है। यहाँ पे बोनफायर भी हो सकता है रात्रि को, टूरिस्ट वगैरह रुके हुए हों, ये बैडमिंटन या वॉलीबॉल का कोर्ट समझ लीजिए। यहीं पर नाला भी बह रहा है, बिल्कुल पास में है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर पानी अंदर जा रहा है लेकिन पता नहीं लग रहा कि ये यहाँ से गैप कहाँ हो रहा है। ये आ रहा है और ऊपर से आ रहा है ये पीछे से, देखिए बिल्कुल पास में ही है टेंट के। मैं भी दिखाता हूँ आपको टेंट, इसके बिल्कुल पीछे वो रहे टेंट, तो मतलब बहुत बढ़िया आपकी कैंपिंग हो सकती है अगर इधर कहीं पर आए तो। और सुना है यहाँ पे जंगली जानवर भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे हिरन वगैरह, भालू भी आते हैं ऐसे, उसको शायद आप देखना पसंद ना करें, बाघ वगैरह भी आ सकते हैं, हिरन के लिए तो बोला है यहाँ पे। और ये देखिए हम वहाँ से आए थे पैदल, ऊपर से 1 किलोमीटर है लेकिन उतरने में दम नहीं लगा, आप देखते हैं जाते हुए कैसा लगेगा। बिल्कुल ठंडा है, बस तेज धूप है इसलिए प्यास भी बार बार लग रही है। ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर आपसे। हाँ मिलते हैं, अगली जल्दी होगी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार अच्छा लगा आपसे मिल गया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि आपको भी इससे मिल गया अच्छा लगा। हाँ हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये आ गई स्वीटी, आपने तो पूरा एक तरह से गाइड की तरह हमें बता दिया इधर का आसपास का। मैं आपसे थोड़ा इसलिए मिला ना क्योंकि ज़्यादातर जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई आता है ना तो बोलते हैं कि उत्तराखंड के लोग बहुत वैसे होते हैं, वैसे होते, तो मैं उनको गलत साबित करना चाहता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं होता, तो देखो कोई कोई तो खराब हर जगह मिल जाएगा लेकिन सारे एक जैसे नहीं होते। हाँ हर कोई एक जैसे नहीं होते, लेकिन दोस्तों अभी हम इस ब्रिज पर हैं, पीछे नदी दिख रही है, ऊपर से आ रही है, ये दोनों तरफ से आ रही है नदी, एक इधर से आ रही है, एक मेरे पीछे तरफ से आ रही है, और ये मिलके तीसरी दिशा में जा रही है आगे से। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापसी, क्योंकि नीचे उतरते हुए तो बहुत आसानी से उतर गए थे हम, लेकिन ऊपर जाते हुए दस मिनट लगे हैं तो ऊपर कम से कम 1.25 घंटा जरूर लगेगा। दोस्तों अब देखो चढ़ाई में हमारा कितना दम निकलेगा, लेकिन हम थोड़ा जल्दी निकलना चाहेंगे यहाँ से, हम थोड़ा जल्दी निकलना चाहेंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो जंगली पशुओं का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन फिर भी हम इतना दूर से नहीं आए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पहाड़ों पे उतरने चढ़ने की हमारी आदत नहीं है, ऊपर चढ़ते हुए बहुत दम लग रहा है, इसलिए कभी भी अगर ऊपर जाएं, मतलब नीचे से ऊपर आना हो तो समय से निकलें ताकि अंधेरा होने से पूर्व आप मेन ट्रैक पे आ जाएं। दोस्तों आपको किसको दिखाई दे रहा है कुछ, हम वहाँ से आए नीचे से,
जूम करना पड़ेगा, पीछे आपको झूला दिखाई दे रहा ना, हम वहाँ से चलते आ रहे हैं। ब्रिज, हाँ जो लोहे वाला ब्रिज बना हुआ है, मतलब झूलता हुआ पुल है ये। हम वहाँ से आए हैं लेकिन क्योंकि आदत नहीं है, थक गए हैं, लेकिन मजा बहुत आया आज। हाँ भी मजा आया ना, पूरा मजा आया भाई, बहुत मजा आया। जहाँ भी आप थकावट महसूस करें वहाँ पर एक मिनट का रेस्ट जरूर करें, ऐसा ना हो कि थकावट में आप नीचे ही खाई में गिरे। अगर यहाँ से गिरे तो वो नदी दिख रही है आपको पेड़ों के बीच में से, वहाँ तक जा सकते हैं आप गिरते पड़ते, ध्यानपूर्वक चलें। इसलिए बड़ी मुश्किल से हम ऊपर तक पहुँचने वाले हैं, थकावट बहुत ज़्यादा है। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं बाहर मेन रोड पर, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और ये देखो ये अपनी खड़ी है इको स्पोर्ट्स। ये वैसे व्यू देखोगे आप बहुत अच्छा है। ऐसा लगा मेरा ये ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।